तो होनी के तब बाद में बताइए। हसत हसत पेट फूल के ले लड्डूआ एक चाचा कैस को छोड़ दिया कि लोग कितना बड़ा जाए क्यों बुढ़बार भैया ओकरा बाद का भाई ई तो बतावा हई सेंट से देह पोत के भगेलुआ अक्रीम पाउडर से मुंह पोत के जैसे कोहबर में गई तो अपना मेहरारू के देखा था कि अरे इंद्र भगवान के श्राप से श्रापित होके ओकर मेहरारू फक समंदरिया बन गई जैसे भगेलू और भागल नू बंदरिया उछिल के ओकर कलम काट लेला छोर तू भैया ये मामले में लकी बारे बच गई ले का मतलब भैया भी अपन बंदरिया के कमरे में चोरी छुपे चल गए रहले माई एकदम झूठ बोलती है अरे एक तो चोरी ऊपर से सीना झोरी अरे तो भैया के पुराना अंदाज बा अच्छा 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 चुप रहा देखा भौजी खाना खाईनी कि ना माई तो चिंता मत कर भौजी के खाना खियावे खातिर भैया बाड़े नु बड़ लतखोर भइल बिया नु बिना लात खैले ना सुधर सकेले अरे चुप जा बेटा भौजी के खाना खिला दा जा अरे जो एकदम पागल दिया ही भौजी भौजी इतना रात में कुआं पे भौजी ए भौजी तू हो कमाल बाड़ू भौजी हम खाना खाए खातर घर में खो जाता नहीं और रहुआ यहाँ बानी भौजी ए भौजी चुड़ैल जैसन का है भाव बनावा तारू हमरा के चुड़ैल बोल के तू बहुत बार गलती कैले पारे तू रेंगा हमारा कन्या ये का कर दाड़ू लेके जाओ माई एक रखे संभाल ये का करत रहू गायत्री तुहार दिमाग होश में तबा तुहारी नादानी बदनामी के कारण बन सकेला रोवा मत चला तुहार तबीयत ठीक नहीं खिला गया चला आवा
ऐसा कौन जरूरी काम पर गिल है बाबूजी जे रुआ हमरा के बुलेनी है। सब कुशल मंगल तो बानु हमरा घर के कुशल मंगल तोहार बहन को मंगल में बदल दे ले बिया। बाबूजी अगर दान दहेज में कोनो कमी हो गिलो के तो खुल के बोली हमारा बहन पर झूठा लांछन लगा के ओकरा के बदनाम मत कर। रितेश हमने के भिखारी ना है बल्कि मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के भूखल है। लेकिन तुहार पागल बहन शैतान शेरनी लेखा शिकार करतिया ई हमनी के बिल्कुल बर्दाश्त ना होई। अगर हमने के समय पे ना गेल रहती जा तो तोहार बहन हमार बेटी प्रियंका के जान से मार दिले रहती। रितेश बाबूजी सही कहता रे। झूठ सारा सर झूठ। अरे जवन लेकी एगो चूटी के देख के कांप जात होखे वो अपना ननद के मारे की कोशिश का करी। कान से सुनल बात झूठा हो सकेला रितेश पर आंखी से देखल घटना के तू झूठ न कह सकता रा। जन हमनी के आंखी से देखले बनी जा। लड्डू सच कहता रे रितेश। ई का हो रहल बा ई सब का तमाशा होता। बेटा जब घर के इज्जत रोड पे आ जाला तब तमाशा ही होला तारीफ ना। बाबूजी गायत्री के दिमागी हालत ठीक नहीं खे ऐसे में ओकरा पे लांछन लगावे से अच्छा बा ओकर इलाज करावल जाए। हाँ जी सूरज सही कहता डन हमने के ये सब बोल के कन्या की इलाज करावे के चाहिए। कन्या ठीक हो जाई है। चिंता मत करी चाचा जी हम एगो ऐसा डॉक्टर के जाना तनी जे दिल और दिमाग दोनों के इलाज करेला। ओकर चमत्कारी इलाज से कितना लोग के जिंदगी में चमत्कार हो गई। तो के घरे बुलावा वैसे ओकर नाम का है। ओकर नाम बा डॉक्टर अरविंद।